أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम बात करेंगे जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसकी दो नंबर आयत की कि जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला उसमें क्या फरमाता है। और जो सूरह फातिहा की जो आयत नंबर दो है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला का वजूद क्या है और अल्लाह ताला की सिफत क्या है। तो मैं शुरुआत करूँगा इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा, अगर कोई बात में से छूट जाए तो आप उसे में ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने जो पढ़ा है मैं उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सूरह फातिहा की आयत नंबर दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब यह है कि सभी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं जो पूरे कायनात का मालिक है। अब कायनत का मालिक है इसमें हम इस बात को हम समझ नहीं सकते और इस चीज़ को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं, यानी कायनत का मालिक है, कायनत में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन किस चीज़ें आती हैं, अल्लाह किसका मालिक है, इसकी जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमसे कोई गैर मुस्लिम भाई ये पूछता है कि आप बताओ कि अल्लाह ने सूरह फातिहा के अंदर ये क्यों लिखा है कि वो पूरे कायनात का मालिक है, तो कायनात का मालिक अल्लाह ताला ही है, उसके लिए हमें कुरान पढ़ने की ज़रूरत है और कुरान से हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह और कुरान ही इसका जवाब देगी। तो हम कुरान से इसका जवाब मांगते हैं। तो कुरान के अंदर जब फिरौन ने मूसा से पूछा, मूसा को बोला फिरौन ने कि बोला ये सूरा जो 26 नंबर सूरा है उसकी आयत नंबर 23 में पढ़ रहा हूँ, तो उसमें फिरौन पूछता है मूसा अलैहिस्सलाम से, फिरौन ने पूछा अच्छा ये बताओ कि रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सारे आसमान व ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है यानी इनके बीच है वो सबका मालिक है, अगर आप लोग यकीन कीजिए तो ही काफ़ी है। मतलब इसमें बता दिया कि अगर आप इस चीज़ पे यकीन करें तो बहुत ही काफ़ी है। और यही बात सूरह तहा जो सूरह नंबर 20 है उसकी आयत नंबर 49 और 50 के अंदर है। तो मूसा अलैहि सलाम ने बोला कि जो मालिक है अल्लाह वो सारे आसमान और ज़मीन का मालिक है, जो उसके दरमियान है उसका मालिक है, उसके दरमियान मालिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसान की, तो अल्लाह ताला सबसे बात करेंगे पहले करेंगे इंसान की, तो अल्लाह ताला इंसान का मालिक है। तो इंसान जो दुनिया में आ चुके हैं यानी जा चुके हैं उनका मालिक था अल्लाह, और जो आएंगे उनका मालिक है, जो अभी करंट टाइम है उनका भी मालिक अल्लाह है। तो यहाँ बात ख़त्म नहीं होती मेरे भाई, आगे भी चलते हैं इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाता है जो ज़मीन में है उसका मालिक है। तो ज़मीन में हम नोटिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ है ज़मीन के अंदर, इंसान के अलावा और भी मखलूक हैं जैसे कि जानवर, पक्षी और समंदर में जो जानवर हैं, तो हम उसको गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते कि कितने जानवर हैं इस धरती पर और कितने पक्षी हैं और समुंदर के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है हम जान नहीं सकते। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में जो सूरह नूर की आयत नंबर 45 है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है और अल्लाह ही तमाम ज़मीन पर चलने वाले को पानी से पैदा किया, उसमें से बाज़ तो ऐसे हैं जो पेट के बल चलते हैं और बाज़ उसमें से हैं जो दो पांव से चलते हैं और बाज़ उनमें से
है ऐसे हैं जो चार पांव चलते हैं, खुदा जो चाहता पैदा करता है, इसमें शक नहीं, खुदा हर चीज़ पे कादिर है। ये सूरह नूर की आयत नंबर मैंने 45 पढ़ी है। तो मेरे भाई बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अल्लाह ताला किस चीज़ का मालिक है, अल्लाह ताला फिर हम चलते हैं, ये तो जानवर की बात होगी। अब समुद्र के अंदर कितनी प्रजाति हैं जानवरों की, कितने उसमें जीव जंतु हैं, उसका काउंट नहीं कर सकते, और आज तक किसी ने काउंट किया ही नहीं और कोई काउंट कर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मखलूक अल्लाह ताला पैदा करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो जानवर की बात होगी कि जानवर का काउंटिंग नहीं है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो ज़मीन में अल्लाह ताला उगाता है उसकी, तो ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या उगाया है, क्या क्या अनाज उगाया है, कितने पेड़ पौधे हैं और कितने फल हैं, कितने फ्रूट हैं, कितने उगने वाले हैं, कितने क्या हैं, उन सब का मालिक भी अल्लाह है। और कितने हमने खा लिए, जितने इंसान थे उन्होंने खाया पिया और वो ख़त्म हो गए, और उतने ही अल्लाह ताला पैदा कर रहा है और क़यामत तक पैदा करता रहेगा, अल्लाह ताला उसका मालिक है। और अल्लाह ताला जो परिंदे हैं उड़ते हैं उनका भी मालिक है, जो कुरान के अंदर मैं लिमिट में बता देता हूँ, कुरान की आयत नंबर 3 की 49 आयत और 5 माईदा की 110 और 6 की 38, 24 की 41, 34 की 10, 38 की 19 और 56 की 21 और 67 की 19। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है जो उड़ने वाले चिड़ियाँ हैं परिंदे उनके बारे में जिक्र किया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने परिंदों को नहीं देखा, उसको कौन रोकता है, सिर्फ अल्लाह। तो हमारी बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, ये तो हमने बात कर ली ज़मीन की। अब हम बात करते हैं ये दो बात कर ली हमने ज़मीन की, ज़मीन के अंदर कितने अनाज है उसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते, कितनी प्रजाति हैं उसको भी काउंटिंग नहीं कर सकते, और कितने जानवर मर चुके हैं, कितने आएंगे, क्या क्या है उसका काउंट नहीं कर सकते। तो कायनात का मतलब ये है कि ज़मीन आसमान उसके बीच के अंदर, ये पूरा मिलाकर कायनात का मतलब होता है। तो ये पूरी कायनात इसमें होती है, और इसमें भी क्या है कि हम पूरा काउंट नहीं कर सकते कि काउंट करने की चीज़ है ही नहीं। और फिर अल्लाह हम बात करते हैं आसमान की, अब आते हैं आसमान पर। पहले हमने बात की इंसानों की, फिर हमने बात की जानवरों की, फिर हमने बात की ज़मीन की, अब हम बात करते हैं आसमान की। तो आसमान की बात करते हैं, अल्लाह ताला किस कायनत का मालिक है और अल्लाह ताला कितना बड़ा अलीशान बादशाह है। तो हम बात करते हैं आसमान की। तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मुल्क जो 67 नंबर सूरह उसकी आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने 7 आसमान तले, कितने 7 आसमान तले ऊपर बना डाले, भला तुझे खुदा की इस रचना में, इस बनाई हुई प्रगति के अंदर, बनाई हुई संरचना के अंदर कोई कमी दिखाई देती है? अल्लाह ताला पूछ रहा इंसान से, कोई कमी दिखाई देती है? तो अल्लाह ताला कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आँख उठा के देखो। तो अल्लाह ताला तो फिर आँख उठा कर देखो, भला तुम्हें कोई दरार या कोई बनावट के अंदर कमी दिखाई देती है? ठीक है, तो अगर इंसान आसमान की तरफ देखे तो उसके अंदर कोई कमी नहीं दे सकती, ना उसको ऐसी कोई दरार जिससे वो आर पार देख सके वो नहीं दिखेगी। अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मुल्क आयत नंबर 4, इसी के आगे बढ़ रहा हूँ, फिर दोबारा अल्लाह ताला कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लिया चलो आपका पेट नहीं भरा तो दोबारा आप देख सकते हो। अल्लाह ताला फरमाता है फिर दोबारा आंख उठाकर देखो, हर बार तेरी नजर नाकाम, मतलब हर बार तुम्हारी नजर जो है ना वो थक जाएगी देखते देखते और पलट के तुम्हारी तरफ आ जाएगी, लेकिन आसमान को तुम देख नहीं सकते, इतना बुर्ज बनाया, आलीशान अल्लाह ताला ने आसमान बनाया। तो जो आसमान की बात आ गई, तो इसी बात पर मेरे को एक सूरह याद आ गई जिसका नाम द गैलेक्सी है, उसको बुर्ज बोलते हैं, जो 85 नंबर सूरह है। तो इसी के नाम से अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये जो सूरह है इसका नाम ही जो सूरह है इसका नाम ही द गैलेक्सी है। तो अभी भी आसमान की बात ख़त्म नहीं मेरे भाई, अभी भी हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नाजियात उसकी आयत नंबर 27 के अंदर, भला तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ताला हमको बोल रहा है कि अगर इंसान को पैदा करना आसान है अल्लाह के लिए,
मतलब कंपेयर करें कि आसमान कितना बड़ा है, अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह ताला बता रहा है कि भला तुम्हारा पैदा करना यानी इंसान का पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का, क्योंकि आसमान बहुत बड़ा बना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान का ज्यादा मुश्किल है या इंसान को पैदा करना मुश्किल है। और अल्लाह ताला आगे इसी आयत के अंदर, इसी सूरह के अंदर बताता है, आयत नंबर 28 नंबर आयत के अंदर बताता है कि उसी ने उसको बनाया, उसकी छत को खूब ऊंचा किया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि उसी ने उसकी छत को बनाया है मेरे भाइयों, और उसी ने उस और खूब ऊंचा बनाया। और अल्लाह ताला फिर गाफिर के अंदर बताता है, सूरह गाफिर आयत नंबर 57 के अंदर बताता है कि सारे आसमान और जमीन को पैदा करना, लोगों के पैदा करने की ये निस्बत यकीनी बड़ा काम है। तो लोग सोचेंगे कि यार जमीन को देखेंगे इंसान और आसमान को देखेंगे, बोला यार कितनी बड़ी जमीन बनी है और कितना बड़ा आसमान बना है, इसके कंपेयर के अंदर लोग जो पैदा होते हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, अल्लाह ताला के फरमाता है मगर अक्सर लोग इतना भी नहीं जानते, अल्लाह ताला इतना भी नहीं जानते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आसमान की, और इसी के चलते हुए मैं आपको आयतें बता देता हूँ जो आपको पढ़नी है, अगर टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। सूरह फुरकान 25 नंबर सूरह है, उसके आयत नंबर 59, और सूरह वाकिया जो 56 नंबर सूरह है उसकी 75 से लेकर 76 पढ़ना है, और सूरह रात जो 13 नंबर उसकी 2 नंबर आयत पढ़नी है, सूरह फातिर जो 35 नंबर उसकी 41 नंबर पढ़नी है, सूरह हिजर जो 15 नंबर है उसकी 16 नंबर आयत पढ़नी है, सूरह सूरह जो 42 नंबर सूरत है उसकी आयत नंबर 5 पढ़नी है, और सूरह ज़ारिया जो 45 नंबर सूरह है उसकी आयत नंबर 26 पढ़नी है, सूरह नहल जो 26 नंबर सूरह है उसकी 49 नंबर आयत पढ़नी है, सूरह सूरह जो 42 नंबर उसकी फिर 29 पढ़नी है आपको, सूरह रात फिर 13 की 5 पढ़नी है, सूरह अहमान उसकी 55 जो सूरह है उसकी 29 नंबर पढ़नी है। तो मैंने बताया था आपको पहले कि अल्लाह ताला ने जो एक सूरत है सूरह बुर्ज जो 85 नंबर, उसका नाम ही द गैलेक्सी रख दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है उसमें बुर्ज वाले आसमानों की कसम, और मतलब बुर्ज मतलब होता है कि ग्रह, और ग्रेटेस्ट स्टार यानी बहुत से तारों को मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। ये भाई अपने जान लेना चाहिए कि जो बहुत से तारे हैं उसको बन के गैलेक्सी बनती है। इंशाल्लाह मैं इस पर ही बात करूंगा। तो ये तो हो गई आसमान की, अभी भी आसमान की बात खत्म नहीं मेरे भाई, आगे इंशाल्लाह बताते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्लाह ताला फरमाता सूरह मुल्क के अंदर 7 आसमान बनाए अल्लाह ने, तो 7 आसमान बनाए, तो हम बात करेंगे जो हमारे जो वातावरण यानी आसमान जो हमारी धरती है उसकी जो परतें हैं वो 7 ही हैं। ठीक है, तो पहले उसमें जो परत है उसको क्षोभमंडल बोलते हैं, दूसरा उसको समताप मंडल कहते हैं, तीसरा बोलते हैं वायुमंडल, और उसके बाद में तापमंडल बोलते हैं और वहीमंडल बोलते हैं, आयनो मंडल बोलते हैं और मैग्नेट मंडल बोलते हैं। ये तो हम करते हैं 7 परते हैं उसकी बात करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि 7 आसमान बनाए, उसके बाद में हम बात करेंगे आकाशगंगा द गैलेक्सी। तो अभी आसमान खत्म नहीं हुआ मेरा भाई, आसमान बहुत बड़ा है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फातिह की आयत नंबर 2 में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सभी तारीफें उस रब की है जो पूरे कायनात का मालिक है। हमने किसकी बात की, हमने जमीन की बात कर ली, हमने जीव जंतु की बात कर ली, परिंदे की बात कर ली, हमने जो जमीन के अंदर उगती उनकी बात कर ली, हमने इंसानों की बात कर ली, हमने आसमान की बात कर ली, हमने 7 आसमान की बात कर ली, हम बात करेंगे आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या नाम है, द गैलेक्सी जो 85 नंबर सूरह उसके आयत नंबर में जो 85 नंबर सूरह उसका नाम द बुर्ज मतलब द गैलेक्सी। तो आकाशगंगा के अंदर कम से कम जो वैज्ञानिक जो काउंटिंग कर चुके हैं उसमें बताया गया कि 100 अरब से लेके 400 अरब तक तारे हम काउंटिंग बता रहे हैं वैज्ञानिक, और वल्लाह ये बात सब अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। तो जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि 100 अरब से लेके 400 अरब तक तारे हैं। ठीक है, जिसमें से 50 अरब ग्रह हैं, ग्रह मतलब पृथ्वी है अपना ग्रह, मंगल है, बुध है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब ग्रह हैं। तो 50,000 अरब ग्रह बता रहे हैं। तो मेरे भाई ये अभी खत्म नहीं होती बात है, ये तो एक
एक आकाश गंगा की बात हो गई, और उसके बाद में हम बोलते हैं तो जो हमारा सौर मंडल है जो आकाश गंगा के बाहरी हिस्से के अंदर स्थित है, ठीक है, और जो उसकी जो राउंडिंग, जो आकाश गंगा पूरी राउंडिंग करती है, उसका 22.5 से लेकर 26 करोड़ वर्ष लगते हैं उसके अंदर पूरे काउंटिंग करने बाद। ये तो होगी एक गैलेक्सी की बात, यानी एक आकाश गंगा की बात। और ऐसी गैलेक्सी कितनी है? 100 बिलियन, 100 बिलियन से 200 बिलियन, यानी हर एक गैलेक्सी के अंदर कितने 100 अरब से लेकर 400 अरब हैं, तो 100 बिलियन के अंदर कितने तारे और कितने ग्रह होंगे, कोई काउंटिंग नहीं है भाई, ठीक है। अल्लाह ताला इतने बड़े कायनात का मालिक है, इससे भी बड़ी कायनात का मालिक है मेरा भाई, ठीक है। तो हम इसमें इसके अंदर भी ना हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह है। तो सूरह फातिहा के अंदर जो जिक्र है, हम सभी तारीफ अल्लाह की है जो पूरे कायनात का मालिक है। तो कायनात के अंदर बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं जो मैंने समझाने की कोशिश की है, तो बहुत सी चीज़ें छूट चुकी हैं क्योंकि खुद ही जो इंसान है वो पता नहीं लगा सकता कि कितनी गैलेक्सी हैं। तो इतने बड़े जो यूनिवर्स का जो मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह है। तो पूरे कायनात का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कहफ उसकी आयत नंबर 109 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ रसूल उन लोगों से कहो कि अगर मेरे रब की बातों की बातों के लिखने के वास्ते समंदर का पानी स्थाई, यानी समंदर कितने उसका पानी स्थाई बना ले, और उसके कबल में मेरे प्रजार की बातें लिखे तो समंदर का पानी खत्म हो जाएगा, तो मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तुम और समुद्र भी बना के ले आओ, जब भी खत्म नहीं होंगे। अल्लाह ताला की तारीफ है, ये अल्लाह ताला का मकाम है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह लुकमान आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि और जितने भी दरख्त, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं जमीन में, सबके सब कलम बन जाए, यानी सबके सब कलम बन जाए, और समंदर उसकी साई बन जाए, और उसके खत्म होने के बाद सात समंदर साई हो जाए, और खुदा का इलम और उसकी बातें लिखी जाए तो खुदा की बातें खत्म ना होंगी, बेशक वह गालिब और जाने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर भी अल्लाह ताला की जो तारीफ है वो हम नहीं लिख सकते। तो अल्लाह ताला इतने बड़े कायनात का मालिक है, हमको समझने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला कितने बड़े कायनात का मालिक है, जब भी हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सभी तारीफें अल्लाह की हैं जो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है। ये कायनात का मतलब समझ में आपका, कि कायनात का मतलब ये है कि इतने बड़े कायनात का मालिक है उसकी तारीफ है, ये इसका असल मतलब है। मैंने समझाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, मैं कोशिश करता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको बताता जाऊँगा। और सभी भाई से गुजारिश है, जो अभी माहौल चल रहा है उसमें घबराए नहीं, सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखें, और अल्लाह सब कुछ करने वाला है बेशक, और अल्लाह हमको देख भी रहा है, और जानने वाला भी और सुन भी रहा है, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।